हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। शालूज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। सावन का महीना है तो खीर जरूर बनाते हैं हम, तो आप भी मेरे टिप से इसको बनाना और इंजॉय करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले ये चावल को पानी में भिगो कर रख दिया है। देखिए अभी इसको आधा घंटा हम भीगने देंगे, तब तक हम अपने दूध को बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ी कढ़ाई ले ली है जो भारी तलवे की है। आपके पास नॉनस्टिक हो कोई भी हो, आप बड़ा पतीला ले ले। ये पानी थोड़ा सा डाला है ताकि दूध हमारा नीचे चिपके नहीं। गैस को अपने अभी चलाना नहीं है। अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, नॉर्मल दूध ले सकते हैं या फुल फैट का दूध ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल दूध लिया है, मैं उसको मलाई के साथ ही इसके अंदर डालूंगी। देखिए मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मलाई वाला दूध लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मलाई वाला, मैंने इसको मलाई के साथ ही दूध को डाल दिया था, मैंने इसको बॉईल कर लिया था। अब हमने इसके अंदर क्या करना है ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। अभी अपने गैस नहीं चलाना। देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दूंगी। आप भी मिल्क पाउडर से बनाकर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए 2 मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पहले हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही आप गैस को ऑन करेंगे। बॉइल्ड होने रख दिया है, अब हम इसके बॉइल्ड आने का वेट करेंगे। गैस को कर देंगे सिम पर और इसको बॉइल्ड आने देंगे। चावल हमारे अच्छे से हो गए हैं, देखिए कितने फूल गए हैं। मैंने आधा घंटा इसको पहले भिगो दिया था। देखिए हाथ लगाने से ऐसे टूट जाते हैं। अब हमने क्या करना है, चावलों को अच्छे से मसल लेना है। या तो आप मिक्सी में कर लें या इसको ऐसे अच्छे से मसल लें। देखिए मसलने से ही ये बिल्कुल देखिए छोटे छोटे हो जाते हैं। देखिए हाथ से ऐसे इसको 2 मिनट आप इसको सबको कर लेंगे तो ये बहुत ही छोटे हो जाएंगे। देखिए इसको आराम से ऐसे 2 मिनट आप इसको ऐसे कर लेंगे तो देखिए ये टूट जाएंगे। देखिए तो अगर आप ऐसे ट्रिक से करेंगे तो आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको अच्छे से मसल लेते हैं, मिक्सी में करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। देखिए इसको अच्छे से मसल लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको वॉश कर लेंगे। मैंने अच्छे से कट कर लिया। देखिए अगर आपको लग रहा है तो आप इसको ऐसे ऐसे करके और 2 मिनट ऐसे कर ले। देखिए ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, 2 मिनट ही हमने इसको करना है। देखिए अच्छे से हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, पानी डालकर इसको और 2-3 बार धो लेंगे अच्छे से। 2-3 बार हम इसको वॉश कर लेते हैं। मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार। देखिए अच्छे से साफ हो गए हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं, दूध को चेक कर लेते हैं। मिल्क बॉयल आना शुरू हो गया है। देखिए साइडों से जो हमारी मलाई होती है उसको हम उतारते जाएंगे अच्छे से। इसको अच्छे से इसके अंदर ही मिक्स करते जाएंगे। दूध को एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये कांच का बाउल लेंगे, उसमें हमने ये 2 बड़े चम्मच इसको निकाल लेना है। देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने जो ये चावल रखे थे इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से हिला देंगे और हम इसको 10-15 मिनट इसको सिम पर हम तो एक बॉइल्ड आने देंगे। फिर हम इसको गैस को सिम पे कर देंगे और इसको 15-20 मिनट हम इसको ऐसे ही होने देंगे जब तक कि ये चावल अच्छे से फूल नहीं जाते। हमने बाउल में दूध निकाला था, उसमें हमने ये केसर लिया है। केसर के डाल दें, थोड़े से हम इसके अंदर डालकर रख देंगे और इसको अच्छे से भीगने देंगे। देखिए इसके डालते ही कलर कितना चेंज हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से येलो हो जाए। थोड़ी सी हमारी खीर होने लग गई है, देखिए थोड़ी सी गाढ़ी होने लग गई है। अब हम इसके अंदर ये में हमने जो केसर वाला रखा था दूध वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। छोटी इलायची को कूट लिया है थोड़ा सा, हम इसको ऐसे ही छिलकों के साथ डालेंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप चाहे तो इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इसको, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये हम थोड़ी देर इसको इसके साथ ही होने देते हैं ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। इसको चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कितनी गाढ़ी होने लग गई है। देखिए अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। ये मैंने 1 बॉयल चीनी ली है, आप अपनी हिसाब से डाल लें। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो कम डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी सी और ज़्यादा खा सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। इसको चेक कर लेते हैं, देखिए कितनी गाढ़ी होने लग गई है। देखिए मैं इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर बना रही हूँ। अगर आप बिल्कुल स्लो बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, रबड़ी जैसी बनेगी। अब हम थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। ये देखिए ये मैंने बादाम और कुछ
किशमिश ली है ये हम इसके अंदर डाल देते हैं, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये मैंने कुछ किशमिश और बादाम लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता को कट कर लिया था। अगर आपके पास कुछ और ड्राई फ्रूट्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको हम हिला लेते हैं। अब 5 मिनट हम इसको और होने देते हैं। देखिए ये बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। खीर को चेक कर लेते हैं, खीर हमारी अच्छे से हो गई है। देखिए अब हम इसको ठंडी होने रख देते हैं, फिर हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है, देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपको जो अच्छे लगे आप डालें ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे किशमिश और बादाम डाल रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो घर पर आप इसे डालकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, आप भी इसको घर पर जरूर ट्राई करना। मैंने मिल्क पाउडर से बनाई है, तो आप भी इसको घर पर मेरी टिप्स के साथ ही बनाना। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपकी खीर कैसी बनी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।